गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। दिस चैप्टर इज सेम इन उत्तराखंड बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। फर्स्ट चैप्टर नीड लुक एट द फर्स्ट वर्ड दैट इज ब्रिक्स। इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू रीड व्हाट वर द टाइप्स ऑफ ब्रिक्स दैट वर देयर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाट वर देयर डायमेंशंस, बीड्स द मोती मालाएं मनके कहाँ वो बनते थे, wherever that places were there and that can be shown in the map point of view also. Bones, archaeologists, they unearthed the bones and on the basis of those bones they came to the conclusion that those were the animals were found during the Harappan civilization. The first point is Harappan civilization ka time period kya tha. Harappan civilization ka jo time period hai wo 2600 se 1900 BC hai. Agar hum aaj ki baat kare to aaj hum 2020 mein hain, इसमें अगर हम पीछे जाएं तो 0 AD आता है। इस ये और ये जो टाइम पीरियड है ये आफ्टर क्राइस्ट और एनो डोमिनी बोलते हैं इन द नेम ऑफ गॉड। इससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो बिफोर क्राइस्ट आता है। ओके, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये आपका 4.5 से 5 हज़ार साल का ड्यूरेशन आता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। ये आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। देन आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा था। आपको पता है कि आपके सिलेबस में 20 MCQ क्वेश्चंस आएंगे। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 1 में है वो आता है एक सील बनी हुई है आपकी बुक में। ऐसी कई प्रकार की सील्स मिली हैं जिसमें अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर है, अलग अलग मोटिव्स बने हुए हैं, साइन बने हुए हैं। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सील्स। तो सील्स जो थी वो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक डिस्टिंक्ट फीचर था। इसका क्वेश्चन के रूप में अगर आता है तो कैसे लिखेंगे? ये स्टोन से बनी होती थी। स्टोन के कौन सा था? स्टेटाइट का था। उसके अलावा इसका पर्पस क्या था? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, व्यापार के रूप में, पहचान के रूप में। तीसरा आता था कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक मुख्य पहचान है। जैसे आप चैप्टर डेवलप होगा हम इसको आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर ये बनाई जाती थी, कैसे बनाई जाती थी। और लास्ट है कि इसमें जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो अनडेसिफर्ड। जैसे कि आगे दिखा है आपने कि अशोकन स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसप ने डेसिफर कर लिया था, उसको पढ़ना जाने, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है अभी तक अनडेसिफर। पेज नंबर टू में एक और क्वेश्चन आता है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, यानी कि ऐसा जीवन यापन जिसमें आप थोड़ी मोटी गुजर बसर करके काम चलाते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है, क्वेश्चन अगर आता है 3 मार्क्स का, इसमें आता है कैसे आप लिखेंगे इसको? पेस्टोरलिज्म, कृषि पालन, पशुपालन, खेती करना, स्मॉल सेटलमेंट्स से प्री हड़प्पन स्टेज में। जब हम मैच्योर फेज में देखेंगे कि हड़प्पा के जो बिल्डिंग्स थे वो डबल स्टोरी थे, उसमें बाथरूम था, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, लेकिन ये जो स्मॉल सेटलमेंट्स थे अभी विकसित नहीं हुई थी ये सभ्यता, उस समय का क्वेश्चन बनता है। नो लार्ज बिल्डिंग्स वॉज देयर, एविडेंस ऑफ चार्ड ग्रेन्स। पेज नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट 2 लाइन्स में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वर द चार्ड ग्रेन्स दैट वर फाउंड ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब उसको अन फिर लार्ज स्केल बर्निंग के एविडेंस मिले, इसको अगर आप कंबाइन करें तो ये क्वेश्चन बनता है। उसका आंसर आप इस तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके पॉइंट क्लियर होने चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो इसमें एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वर द डाइटरी हैबिट्स, तो इसमें भी आप वो जो ग्रेन्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं। डिफरेंट ग्रेन्स वर फाउंड, एक मिला के क्वेश्चन बन सकता है। आर्कियोबॉटनिस्ट किसे बोलते हैं? जो प्लांट सीड्स की स्टडी करते हैं, उसके आधार पे एज्यूम करते हैं, एविडेंस के आधार पे ये अपना सीड्स वहाँ पे मिले होंगे। आर्कियोजियोलॉजिस्ट जो हैं बोन्स के आधार पे ये एज्यूम करके अपना एविडेंस के आधार पे ये स्टेटमेंट देते हैं कि दीज वर द एनिमल्स फाउंड ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन जो आपका इस टॉपिक में है पेज नंबर 3 में है वो है कौन कौन सी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज वहाँ पे मौजूद थी। पहला आता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है, मतलब टेक्नोलॉजीज कौन कौन से टूल्स उन्होंने इस्तेमाल करे, कौन कौन से ग्रेन्स उन्होंने इस्तेमाल करे जब वो लोग वहाँ पे रहते थे। तो ग्रेन्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेंटिल है, पी है, वीट है, बार्ले। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुल्स ऑन सील्स, जो हम सील की बात कर रहे हैं। टेराकोटा मॉडल में एक बुल का मॉडल मिला है और सील में भी फोटो बनाई गई है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग इनकी वर्शिप करते थे या खिलौने के रूप में इस्तेमाल करते थे। ओके, जो खिलौने हैं दैट मीन्स वो जानवर उस समय वहाँ पे मौजूद थे।
एंड द टेराकोटा मॉडल्स वर यूज ऑल्सो मेड एट चोलिस्तान एंड बनवाली इन हरियाणा. दीज ऑल्सो हैव बीन एक्सकवेटेड. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दे वर यूजिंग एडवांस टूल्स ऑल्सो. दे वर यूजिंग प्लॉ ऑल्सो. और प्लॉ में कौन सा मेटल यूज करते थे? ओके, तो हम जानते हैं कि ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है. आयरन इन्होंने अभी नहीं खोजा था, तो इन्होंने इस समय पत्थर लगाया होगा हल्के रूप. ओके, कैसे पता चला? ये हमें टेराकोटा मॉडल्स में खिलौने मिले हैं, बुलक कार्ड्स मिले हैं. उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात जो खुदाई में मिली है वो है कि दो क्यारियों के सेट मिले हैं, बड़े बड़े खेत मिले हैं कालीबंगन राजस्थान में. तो ये कालीबंगन मैप में भी पूछा जा सकता है. वहाँ पे दो फसलों के एविडेंस उगाने के मिले हैं. दिस प्रूव्स दैट दे वर क्वाइट अवेयर ऑफ द क्रॉपिंग सीजन. रबी सीजन है, खरीफ सीजन है, वीट के साथ सरसों उगाना है या खरीफ सीजन में कौन सी फसलें उगानी है, वो हमें एविडेंस मिले. इसके अलावा दो पॉइंट और इसमें हम लिखेंगे कि जहाँ पे खूब बड़ा रिजर्वायर होता होगा, जैसे धोलावीरा गुजरात में, तो ये तो चलो मैं पॉइंट टू में आ गया. और पंजाब और सिंध एरिया जहाँ पे खूब आपका नदियों का जाल था, तो वहाँ पे तो खेती की समस्या नहीं होती होगी. लेकिन शॉर्टुगई इन अफगानिस्तान है, वहाँ पे कैनाल इरीगेशन के जरिए इन्होंने खेती करी. तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है. तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम हर एक पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और हर पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाते हुए जाएंगे. आप ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को नोट करिए और कोई भी क्वेरीज हो